नमस्कार, साहित्य तक के बुक कैफे के एक दिन एक किताब में मैं जयप्रकाश पांडे आपका स्वागत करता हूं। और आज मैं पंकज राग की पुस्तक कैफे सिने संगीत के साथ उपस्थित हूं। पंकज राग का जन्म मुजफ्फरपुर बिहार में हुआ। सेंट स्टीफन्स कॉलेज दिल्ली से उन्होंने इतिहास विषय में और उसके बाद आधुनिक भारतीय इतिहास में MA और MPhil की उपाधि प्राप्त की। 1.5 वर्षों तक अध्यापन किया, उसके बाद भारतीय प्रशासनिक सेवा में उनका चयन हुआ। मध्य प्रदेश संवर्ग में रहे और पुरातत्व विज्ञान अभिलेखागार एवं संग्रहालय आयुक्त के रूप में मध्य प्रदेश में अपनी सेवाएं प्रदान की। भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान पुणे के निदेशक महानिदेशक के रूप में भी उनकी अपनी छवि रही है। राष्ट्रीय लेखागार के महानिदेशक रहे, लेकिन इन्हें प्रशासनिक और अकादमिक योग्यताओं और अनुभवों के अलावा पंकज राग की अपनी जो पहचान है पुस्तक के क्षेत्र में, कथा के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, वह संगीत विशेषज्ञ के रूप में। उन्होंने फिल्मों और संस्कृति पर एक गहन शोध किया है और 1931 से 2005 के फिल्म संगीत निर्देशकों पर जो उनकी पुस्तक थी धुनों की यात्रा, वह काफी लोकप्रिय रही और बहुत चर्चित हुई। इसके अलावा उनका कविता संग्रह यह भूमंडल की रात है काफी लोकप्रिय रही और कई सम्मान उसको मिले, जिनमें केदार सम्मान, मीरा स्मृति सम्मान, स्पंदन कृति सम्मान शामिल है। 1857 दी ओरल ट्रेडिशन लोकगीतों और लोक कथाओं के माध्यम से उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम को पुनर्सृजित करने की कोशिश की अंग्रेजी में। इसके अलावा विंटेज मध्य प्रदेश, भोपाल 50 ईयर्स, मास्टरपीसेज ऑफ मध्य प्रदेश, राग रागिनी फोलियो, रायसेन का पुरातत्व, राजगढ़ का पुरातत्व, मंदसौर का पुरातत्व, नोन एंड अननोन इन एनसाइक्लोपीडिया ऑफ मोन्यूमेंट्स ऑफ मध्य प्रदेश जैसी कृतियां उनकी संपादित आ चुकी हैं। काफी लोकप्रिय रहे हैं संगीत और कला जगत में और कैफे सिने संगीत पंकज राग की वह पुस्तक है जो भारतीय फिल्म संगीत जगत की प्रवृत्तियों की बात करती है कि किस तरह से भारत में जो श्वेत श्याम दौर था और मुख्य फिल्में थी, वे जब बोलता सिनेमा हम जिसको कहते हैं जब शुरू हुआ, तो किस तरह से संगीत आगे बढ़ा, किस तरह से गायक, गीतकार, शायर, कवि और यहाँ तक कि उनका जो अभिनय है फिल्मों को, किस तरह से उनका दृश्यांकन होगा, किस तरह से सुर राग होंगे, किस तरह से शास्त्रीय राग होंगे और शुद्धता के दौर से पश्चिमी फ्यूजन और फिर धार्मिक गीत कैसे बने, सांस्कृतिक कैसे बने, देशभक्ति के गीत कैसे आए, पारसी थिएटर का क्या योगदान था, रंगमंच में जो संगीत का उपयोग होता था दृश्यों को बदलने के लिए उनका उपयोग किस तरह से हुआ, स्टूडियो में जब गीत रिकॉर्ड होने लगा तो और किस तरह के वाद्य यंत्र शामिल हुए, पश्चिम का कैसा प्रभाव रहा और फिल्मों का नाम देते हुए उसके पूरे कालखंड की उन्होंने चर्चा की और किन संगीतकारों ने अपने क्षेत्रीय लोकगीतों को भी फिल्म जगत में अपनी कला से न केवल एक मुख्य अभिव्यक्ति के रूप में दिया बल्कि लोकप्रियता का मुकाम कायम किया, चाहे वो अनिल विश्वास रहे हों, चाहे वह राहुल देव बर्मन रहे हों, बसंत देसाई रहे हों, ओपी नैयर रहे हों, बहुत सारे लेखकों की बात की है। मैं यह बता दूं कि भारतीय फिल्म संगीत पर यह एक महत्वपूर्ण कृति है और क्यों महत्वपूर्ण है मैं इसके अध्यायों का उल्लेख करूंगा और आपको समझ में आ जाएगा कि इस पुस्तक को आपको क्यों खरीद कर पढ़ना चाहिए। मैंने बताया ही कि हिंदी फिल्म संगीत की प्रवृत्तियां से यह पुस्तक शुरू होती है, उसके बाद हिंदी फिल्म गीतों में शाम
कैसे है, बड़ा ही रोचक का अध्याय है ये। यहाँ वफा का बदला है बेवफाई के सिवा क्या है, यानी संबंधों का जो तार टूटता रहा या जुड़ता रहा उस पर किस तरह के गीत बने। मांझी गीत एक बड़ा ही हिंदी फिल्मों में मांझी नदिया किनारा और उसकी बात होती है और उसके बहाने जीवन दर्शन की बात होती है, उसका उल्लेख किया है। भारतीय चलचित्रों के बेहतरीन फिल्मांकित गीत वे गीत जिनका फिल्मांकन बड़ा अद्भुत था, चलो दिलदार, चलो चांद के पार चलो, या इस तरह के ढेर सारे गीत ऐसे हैं जिनका फिल्मांकन इतना अद्भुत है कि आप उनको मुगले आजम का भी गीत उसमें शामिल है। इसके अलावा हिंदी फिल्मों के दिवाली गीत, मुबारक बेगम मेरे आंसुओं पे नमस्कारा, मुकेश के विरल हिंदी गीत, हिंदी फिल्मों में बरसात के गीत, राजेंद्र कृष्ण का जो संगीत है मुझे तुमसे बहुत है प्यार नहीं जी जरा जरा। इसके अलावा हिंदी फिल्मी गीतों में मध्य प्रदेश, चूँकि मध्य प्रदेश कैडर में संवर्ग में पंकज राग ने काम किया है, तो मध्य प्रदेश का क्या प्रभाव भारतीय हिंदी फिल्मी गीतों पर रहा है, राहुल देव बर्मन और लोक संगीत। हिंदी फिल्मी गीतों में मीराबाई की बात की है, मुगले आजम का जिक्र यहाँ पे अलग से भी है कि उसका संगीत क्या है। हिंदी फिल्मों गानों में माँ और मुजफ्फर अली की फिल्मों का संगीत, अगर आपको उमराव जान याद हो तो आप समझ सकते हैं। सचिन देव बर्मन के संगीत में लोक रंग राग शिवरंजनी आधारित फिल्म गीत, झपताल पर आधारित फिल्मी गीत, मुझे प्यार में खत किसी ने लिखा है यह एक अलग से उल्लेख है। फिरोज खान की फिल्मों में कल्याण जी आनंद जी के संगीत की जो भूमिका रही है, लता जी का पसंदीदा गीत खासकर विशेषकर 1967 में इसका विशेष उल्लेख है, एक अध्याय ही है पूरा। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्राप्त हिंदी के पार्श्व गायक उनका उल्लेख किया है, नौशाद के साथ मुकेश की जो जोड़ी थी उसकी बात की है, लता की कुछ सदाबहार गीत हम सफर की तरह चलते हुए जो बहुत ही लोकप्रिय हैं और लगातार आज भी गाए गुनगुनाए जाते हैं हिंदी फिल्मी गीतों में। वाल्ट्ज का जो प्रभाव रहा है, जयदेव का गैर फिल्मी सफर और पाकिजा का संगीत, यह पुस्तक इतने अध्यायों में बटी है और संभवतः कुछ चित्र भी इसके अंदर हैं जो आपको इसको और भी रोचक और आधिकारिक तौर पर महत्वपूर्ण बनाते हैं इस पुस्तक को। इस पुस्तक का प्रकाशन राजकमल पेपरबैक्स ने किया है, कथित श्रेणी की पुस्तक है, मूल्य 250 रुपये और पृष्ठ संख्या है 216। अगर आप भारतीय फिल्मी संगीत के विकास और परिदृश्य, उसकी मधुरता, उसकी ऐतिहासिकता और तीनों लोगों ने उसकी बुनियादी स्वरूप को गढ़ने में योगदान किया उसको समझना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, तो बहुत रोचक किताब है, इसको खरीद कर पढ़ सकते हैं। उम्मीद है साहित्य तक का आज का एपिसोड आपको पसंद आया होगा। इस कार्यक्रम में आप किस तरह की पुस्तकों की चर्चा चाहते हैं, इसके बारे में अपनी राय से हमें ज़रूर अवगत कराएं। हमारी कोशिश होती है कि विविध विधाओं की पुस्तकों के साथ हम आपके पास पहुँचें ताकि आपको अपने पसंद की पुस्तक चुनने में आसानी हो। कल ठीक इसी समय ऐसी ही किसी एक कृति के साथ फिर मिलूँगा। देखते रहिए साहित्य तक। धन्यवाद।